हाय गाइस, आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप अपने नेट दुपट्टा को अपनी साड़ी पे किस तरह स्टाइल करें। आज मैं आपके साथ टू डिफरेंट पार्टी वेयर स्टाइल शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे इस वीडियो की एक मेरे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट आई थी तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैं साड़ी ड्रेप करने वाली हूँ। इस साड़ी के साथ मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टाइल वन से। स्टाइल वन के लिए हम सबसे पहले अपनी साड़ी में एक राउंड लगाएंगे। हम अपनी लेंथ मेजर कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी साड़ी हमारी ऊपर बचती है हम उसे पेटीकोट में टक कर लेंगे। लेंथ मेजर करने के बाद हम साड़ी को ऊपर टक कर लेंगे अपने पेटीकोट में। हम जो पेटीकोट का नाड़ा बांधेंगे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से ही बांधेंगे। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में पल्लू प्लीट्स बनानी है। पल्लू प्लीट्स आपको किस तरह बनानी है, अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही बनानी है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी उस तरह प्लीट्स बनानी है। सारी पल्लू प्लीट्स बनाने के बाद हम अपने पल्लू को इस तरह से थोड़ा सा झटकेंगे ताकि हमारी प्लीट्स एक लेवल में आ जाएं। गाइस, इस स्टाइल में हमें पल्लू को बिल्कुल लंबा नहीं रखना है, इसलिए हम थोड़ी सी दूर से ही अपनी प्लीट्स अरेंज कर लेंगे ताकि हमारी जो पल्लू की फिनिशिंग है वो प्रॉपर आ जाए। अब पल्लू के दोनों साइड पर हम पिन लगा लेंगे एक एक, ताकि हमारी जो प्लीट्स हैं बिगड़े ना, अपनी जगह बनी रहें। अब सारी पल्लू प्लीट्स बनाने के बाद अब हम उन्हें एक साइड कर देंगे एंड हम अपनी लोअर फ्रंट प्लीट्स बनाएंगे। लोअर फ्रंट प्लीट्स बनाने का तरीका मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। हमारी जो बैली बटन होती है उससे एक या दो इंच आगे से हमें प्लीट्स बनाना स्टार्ट करनी है। गाइस, इस तरह की स्टाइल में आपकी जो लोअर फ्रंट प्लीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल के आएंगी, मतलब बहुत घनी प्लीट्स निकल के आएंगी। तो अगर आप ये स्टाइल करना चाहते हो ज़रूर करना गाइस, इसका लुक भी बहुत सुंदर आता है। सारी प्लीट्स बनाने के बाद अब हम इन्हें फ्रंट पे अपने टक कर लेंगे पेटीकोट में। गाइस, यहाँ मेरी वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गई थी बिकॉज गाइस मेरा कैमरा जो है फोकस नहीं कर पा रहा था अच्छे से। तो देखिए गाइस, सारी लोअर फ्रंट प्लीट्स बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपने पल्लू को अपने शोल्डर पे टक कर लेते हैं। इस वाली स्टाइल के लिए गाइस आपको कोई भी पल्लू लेंथ नहीं रखनी है, सिर्फ अपने शोल्डर पे जो हमारी पल्लू की आखिरी छोर था हम उसे टक करेंगे अपने लेफ्ट शोल्डर पे एंड उसके बाद हम अपनी साड़ी में दुपट्टा अटैच करेंगे। तो देखिएगा, शोल्डर पे हमने पिन लगा लिया। अब इसके बाद हम अपने साड़ी में दुपट्टा अटैच करेंगे। इस तरह से हमारी जो लोअर फ्रंट प्लीट्स हैं हम उसके नीचे से अपनी नेट के दुपट्टा को अटैच करेंगे एंड एक पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन लगाने के बाद हमें अपनी दुपट्टा को इस तरह से खींचना है जैसे हम कमर फिटिंग बनाते हैं अपनी नॉर्मल साड़ी में, उस तरीके से हम अपनी कमर फिटिंग बनाते हुए अपने दुपट्टा को अपने शोल्डर पर टक कर लेंगे। इस वाले दुपट्टा को भी हम अपने लेफ्ट शोल्डर पर टक करेंगे। गाइस, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस तरह से हम अपने फ्रंट पर रख के प्लीट्स बना लेंगे अपने दुपट्टा से एंड उसके बाद हम अपने शोल्डर पर टक कर लेंगे एंड हम एक पिन लगा लेंगे।
तो बस अब हम अपनी साड़ी में थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे एंड यही हमारा फाइनल लुक कंप्लीट होता है। तो गाइज ये है मेरी साड़ी का फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा हो। गाइज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप भी किस तरह की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। तो चलिए गाइज अब हम अपनी सेकंड स्टाइल ड्रेप करते हैं। सेकंड स्टाइल ड्रेप करने के लिए गाइज हम अपनी साड़ी को पहले एज अ लहंगा ड्रेप करेंगे। तो इसकी ट्यूटोरियल मैं गाइज आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। गाइज अगर आपको अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो हाइड करना है लहंगा ड्रेप में, तो आप जो लहंगे बनाने की स्टार्टिंग है वो आप पल्लू वाले साइड से करें। मैं आप लहंगा बनाते वक्त गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पेटीकोट का नाड़ है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। आप जब अपनी सांस को अंदर की तरफ दबाते हो तो 2 इंच का गैप आपके पेटीकोट में होना चाहिए। इतना लूज आपका पेटीकोट रहेगा तभी आप अपनी साड़ी से लहंगा ड्रेप कंफर्टेबली कर पाओगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आपको गाइज जो प्लीट्स डालनी है वो इक्वली डालनी है, कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी एंड बहुत ज़्यादा पतली वाली प्लीट्स नहीं डालनी है, थोड़ी चौड़ी प्लीट्स बनानी है। गाइज कॉटन की साड़ी है तो इसका जो लुक है लहंगे का बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो आप अगर लहंगा पहनना चाहते हो, अगर अपनी साड़ी से लहंगा बनाना चाहते हो, तो आप मैं प्रेफर करूँगी आप हमेशा कॉटन या फिर कॉटन सिल्क साड़ी से ही बनाएं। मैं यहाँ जो लहंगा बना रही हूँ ये मेरी कॉटन सिल्क साड़ी है। तो देखिए गाइस हमारा लहंगा बनके रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसे एज अ क्रॉप टॉप लहंगा ड्रेस भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसमें दुपट्टा ऐड भी कर सकते हो। मैं आपके साथ यहाँ दुपट्टा ऐड करके दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि जो आप हमारा लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। आप सिंपली अपने दुपट्टा को इस तरह भी टक कर सकते हो, अपने राइट शोल्डर पर रख के एक पिन लगा लेनी है। एंड एक मैं आपके साथ यहाँ सेकंड स्टाइल और शेयर करूँगी। तो इस तरह से दुपट्टा अटैच करने के लिए गाइज आपको यहाँ फ्रंट पे एक पिन लगानी होगी, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। हमारी जो बैली बटन होती है बिल्कुल उसके नीचे एक पिन लगानी है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद पीछे से एक राउंड देते हुए हम अपने दुपट्टा को फ्रंट पे ले आएंगे एंड अपने लेफ्ट शोल्डर पर टक कर लेंगे। आप चाहो तो गाइज इस तरह से ओपन पल्लू भी रख सकते हो अपने दुपट्टा का, आप चाहो तो प्लीटेड बना सकते हो। मैं यहाँ प्लीटेड पल्लू बनाऊंगी, देखिए थोड़ी सी मैं प्लीट्स बनाऊंगी। गाइज ये नेट सॉफ्ट नेट वाली दुपट्टा है तो इसमें प्लीट्स बहुत ही आसानी से पड़ जाती हैं।
गाइस आप पल्लू प्लीट्स इस तरह भी बना सकते हो। पल्लू को फ्रंट पे इस तरह से अपने हाथों पर रख के छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लेनी है, उसके बाद हम अपने शोल्डर पे पिन टक कर लेंगे एंड यही हमारा फाइनल लुक कंप्लीट होता है। तो गाइज़ ये हमारी दुपट्टा ड्रेपिंग का फाइनल लुक, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।